बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे ख़तीब इस्लाम हज़रत अलामा मौलाना सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहिब की। आपने 30 से ज़्यादा ममालिक में तौहीद की सदाएं लगाईं। आपकी विलादत 1941 में हुई। 1963 में आपने अमली ज़िंदगी में कदम रखा और मफक्र इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद से फ़िक्री व अमली रफाकत अख्तियार की, जिसको तादम में आखिर निभाया। आप मरकज़ी मजलस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मरकज़ी शूरा के रुकन रहे। तौहीद व सुन्नत, मसला ख़त्म नबूवत, हज़मत असहाब व अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाह माशरा और वहदत उम्मत फ़िक्र एदाफ़ रहे। अंदरून मुल्क कश्मीर और कबायली इलाकों तक ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ शाह साहब न पहुँचे हों। मुल्क से बाहर भी हज़रत शाह साहब ने मुसलसल दावती इस्फार करके इस्लाम का पैगाम अमन दुनिया तक पहुँचाया। 1989 में बरूनी इस्फार का सफ़र शुरू किया, जो 2015 तक रहा। इस दौरान वो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और दीगर यूरोपियन ममालिक समेत जज़ायर, वेस्ट इंडीज़, अफ्रीका, मशरक़ वस्ता और मशरक़ी ममालिक में मतदद सफ़र किए। उन्होंने तबलीगी दीन के लिए गुफ्तगू का वो आला मियार आपको अल्लाह ताला ने अता किया, जो अल्लाह ताला अपने बंदगान ख़ास को एलाए कलमतुल हक के लिए इम्तियाजी तौर पर अता करते हैं। कसाम अज़ल ने अपने दीन के इस मायानाज मुबल्लिग़ को बहुत सी खूबियों से नवाजा था। खुदाए लम यज़ल ने हज़रत शाह साहब मरहूम को ज़बानो बयान की खसूसियात से माला माल किया था। जहाँ बड़े बड़े सखनवरों की मताए सखन ख़त्म हो जाती थी, वहाँ से उनकी गुफ्तगू आगाज़ पज़ीर होती थी। बिला मुअल्लगा लाखों अफराद ने हज़रत के बयानात सुनकर साबका कजरोही से तायब होकर हक परस्ती अख्तियार की, जबकि सैकड़ों गैर मुस्लिम की हदायत का सबब बनते हुए हल्का बगोश इस्लाम हुए। हज़रत सैयद अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब नज़म में अलामा मोहम्मद इकबाल, नसर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अंदाज़े बयां में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुहारी के उशाक में शामिल थे और उन्हीं की मोहब्बत में उनका तखल्लुस नदीम अपनाया था। हज़रत शाह साहब मामूल के मुताबिक हंसते मुस्कराते गुफ्तगू फरमाते अल्लाह की जुआरे रहमत में जा पहुँचे। 3 दिसंबर 2015 सुबह नमाज फजर और नाश्ते के बाद अपने तमाम अहल व आयाल की मौजूदगी में आप इंतकाल फरमा गए। अल्लाह ताला आपकी दीनी